पंजाब विच लगातार ही लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होंदी हुई देख हुण भारतीय जनता पार्टी वल्लों भी अलग अलग जगह पर धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। उत्थे ही भारतीय जनता पार्टी वल्लों अज अमृतसर के भंडारी पुल उत्ते भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। उत्थे ही इस धरना प्रदर्शन में बीजेपी की समूहिक लीडरशिप नज़र आई। उत्थे ही बीजेपी के नेता डॉक्टर राजकुमार वेरका वल्लों भी आम आदमी पार्टी के तंज कसते हुए कहा गया कि आम आदमी पार्टी वल्लों जो पंजाब में झूठे डोंगर रचाए गए सी इसका पर्दाफाश हुंदा होया नज़र आ रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब विच लॉ एंड आर्डर की स्थिति बिल्कुल खत्म हो चुकी है, इस करके ही अज उन्होंने खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अमृतसर तो गुरप्रीत सिंह की रिपोर्ट, लाइव भारत। पहली गल है कि सारे पता लग गया कि आम आदमी पार्टी फ्रॉड पार्टी है और उन्होंने जोड़ा बोरिया बिस्तरा हरियाणा वाले ने गोल करता, हिमाचल जो अपनी दुकान बंद करके वो भज चुके हुए हैं। और मैं ये महसूस करता है कि केजरीवाल का झूठा चेहरा वो सामने ने आया और लोगों ने उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन लगता है ड्रामा खत्म होता है नजर आ रहा है, जिस तरह पंजाब के लोगों ने वादा किया गया कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। मैं महसूस करता है कि पंजाब चो भी जल्दी मैं लगता है कि टाइम तो पहले भज जाए। पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देख रहे हो, किस तरह की लग रही है? मैनू लगता है कि भज जाएंगे जल्दी, और जो हालात ना पैदा करते अज सू धरना देने की क्यों जरूरत पै रही भी जिस तरीके दे नाल पंजाब दे हालात है, पंजाब जड़ा अग की पट्ठी दे विच आ, पंजाब च लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, गैंगस्टर दंद आ रहे हैं, लुटा खोआ हो रही है, खून खराबा हो रहा है, और जिस तरीके दे नाल इन्होंने हालात पैदा करते हैं, मैं महसूस करता कि ये अज जरूरत इस गल की है कि सानू सारे पंजाब वाले नू इकट्ठा कर हो के ये सरकार नू भजाना चाहिए। मैनू लगता है कि इन्होंने जानबूझ के ये हरकत कर रहे, पंजाब का माहौल खराब कर रहे।